नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। बता दें, विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद कोलकाता में हिंसा की पहली घटना सामने आई है। कडापारा इलाके में बीजेपी के चुनावी रथों में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का साफ तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का पूरा वीडियो ट्वीट किया है। बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान किया गया था, उसके बाद कोलकाता में हिंसा की ये पहली घटना हुई है। कड्डापारा इलाके में बीती रात करीब 11 बजे कुछ लोग पहुंचे और परिवर्तन रथों पर हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उनसे उसमें लगी एलईडी टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात करीब 11 बजे बीजेपी के कडापारा गोडाउन में घुसकर एलईडी गाड़ियों को तोड़फोड़ की है। बता दें, एलईडी भी खोलकर ले गए हैं। चुनाव आयोग ने कल ही राज्य में 8 चरणों में चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। बता दें, 8 चरणों में चुनाव कराने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी रस्साकशी में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको दे रहा है। बता दें, कल ही चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, उसके बाद कोलकाता में पहली हिंसा की घटना सामने आई है। बीजेपी के चुनावी रथों में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का साफ तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने ही ये तोड़फोड़ की है।